Hello and welcome to DNA Editor's Table. I am Chitresh, with me is Tanvir. So today we will talk about one instance that happened on the very first day of the Lok Sabha. The Lok Sabha has just begun and it involves MP from Hyderabad, Asaduddin Owaisi. So Owaisi ji ne ek जब अपना शपथ ली तो वोट टेकिंग के समय उन्होंने एक नारा दिया जिसमें उन्होंने बोला जय भीम जय मीन जय फिलिस्तीन। तो एक बार इस नारे को हम देख लेते हैं, व्यूअर्स भी हमारे देख लें। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। तो इस नारे के बाद एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी लग गई है। कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि इस नारे के बाद बीजेपी के काफी नेता जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ओवेजी को डिस्क्वालीफाई किया जाए लोकसभा एमपी से। ये नारे में ओवेजी ने बात करी पैलेस्टीन की, पैलेस्टीन जो इस समय इसराइल और हमास की वॉर में एक कैजुअलिटी बन रही है जो कंट्री, उसके बारे में बात करी। और बीजेपी के जो है वो आर्टिकल 102D जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वोट करके बोल रहे हैं कि उस बेसिस पे ओवेजी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो तनवीर से मैं चाहूंगा पहले आप व्यूअर्स को हमारे बताएं कि ये जो मैटर है ये क्या है, आर्टिकल 102D क्या है और क्या ये ग्राउंड्स है किसी डिस्क्वालीफिकेशन का। देखिए, ओवेसी ने जो नारा दिया जय भीम जय मीम जय तेलंगाना, तो जो तेलंगाना क्या है और जय फिलिस्तीन एंड में, उसके बाद ट्रेजरी बिच जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ के जो लोग थे उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि ये मतलब जय फिलिस्तीन क्यों लगा। फिर शाम मतलब उनके नारे के घंटे के बाद ये बीजेपी की जो आईटी सेल के जो हेड है अमित मालविया, उन्होंने एक स्निपेट डाला आर्टिकल 102 का और उसमें ये बताया कि अकॉर्डिंग टू रूल्स इनको डिस्क्वालीफाई किया सकता है इस ग्राउंड पे। उसमें जो 102 का जो डील, उसमें सारे वो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड, जैसे ऑफिस ऑफ प्रोफाइल वाला है, कोई मेंटली अनसाउंड अगर कोई एमपी हो गया, उसमें एक ये भी है कि एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट, कि आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ इस तरीके का वो नहीं कर सकते। तो ये उसके तहत वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको मतलब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए पार्लियामेंट से, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन के मतलब की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाई है। ये मामला जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपके हैं किरेन रिजिजू, उनके पास भी पहुंच गया। उनका जो कहना है वो ये कहना है कि हमारी फिलिस्तीन से कोई दुश्मनी नहीं है, इनफैक्ट इंडिया ऑलवेज हैज अ फ्रेंडली रिलेशन विद पैलेस्टीन एज पर से। सी वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पैलेस्टीन एज अ स्टेट एंड हमास। अब यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि लोग दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, फिलिस्तीन को और हमास को मिक्स कर रहे हैं। हमास इज अ टेरिटोरियल नेशन, फिलिस्तीन इज अ कंट्री, और जिसके साथ हमारे रिलेशन हमेशा रहे। अभी भी इनफैक्ट जो ये वॉर चल रहा है इसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको एड्स, हमाइकल से भी एड गए, मेडिकल एड गए, हर तरह के एड गए। अब ये रिजिजू का जो कहना है वो उन्होंने बैलेंस अप्रोच ये किया है कि हाँ हमारे पास लोगों ने अप्रोच किया है इसको लेके कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन अभी हम देखेंगे और समझेंगे। आज अभी जो थोड़ी देर पहले की ये खबर है कि एक किसी एडवोकेट ने प्रेसिडेंट मुर्मू जी को लेटर लिखा है कि आप इनको इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई करें, उन्होंने पार्लियामेंट में दूसरे देश के जय के नारे लगाए हैं। अब ये मसला जो है, देखिए वैसे से जब बात की लोगों ने तो वैसे ने कहा कि लोगों ने तो बहुत तरह तरह के नारे लगाए। अब जैसे एक नारा ये भी लगा कल जो आपके बरेली के जो बीजेपी के एमपी हैं जय हिंदू राष्ट्र, जो गंगवार हैं जी, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। वो भी अगर आप ऐसे देखें तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल नारा है। भाई वी आर अ सेकुलर कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो भी एक गलत नारा है। अब उस पर भी फिर से वैसे ने ये कहा कि भाई अगर आपको फिलिस्तीन का मसला समझना है तो उनसे जैसे पूछा कि आपने फिलिस्तीन के बारे में क्यों बोला, तो उन्होंने कहा बिकॉज दे आर ऑपरेस्ड पीपल, उनकी कोई गलती नहीं है, वो पिस गए हैं दो, एक तरफ हमास एक तरफ इसराइल के बीच में। फिर उन्होंने गांधी जी को कोट किया और बोला कि आप गांधी का जाकर पढ़ें कि गांधी के फिलिस्तीन के ऊपर क्या राय थे। अब इस पे देखना पड़ेगा कि अब अभी तो पार्लियामेंट शुरू हुआ है, अभी आज स्पीकर का चुनाव था, फिर नए स्पीकर ओम बिरला चुने गए हैं स्पीकर, अब वो उनके तक ये मामला जाएगा और उसके बाद फिर वो देखना पड़ेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि नहीं होता है। मेरे ख्याल से मतलब जो मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इस पे बहुत ज्यादा मतलब एक ग्राउंड तो बनता है, लेकिन ये मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जो आर्टिकल है जिसमें ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें ये लिखा है कि अडियरेंस टू और एक्नॉलेजमेंट ऑफ अडियरेंस टू, तो क्या ये अडियरेंस मानी जाएगी या ये सॉलिडैरिटी कंसीडर? ये दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ये फाइनल पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, और यही मैंने आपको कहा कि इसको क्योंकि ये हमास और ये मतलब एक अलग एंगल है, मतलब दर्शक हमारे समझने के लिए हिंदू मुस्लिम उसके एंगल को बनाने की भी कोशिश हो रही है। तो ये अधरेंस सिर्फ जय फिलिस्तीन बोलना, फिलिस्तीन जय पाकिस्तान बोलना एक क्राइम हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनके साथ हमारे एक रिलेशन, चाइना की जय बोलना वो अलग तरह के रिलेशन है, लेकिन
पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन के साथ उस तरीके के रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट अ एनिमी स्टेट, या उनके साथ कोई अधरेंस इन्होंने नहीं दिखाया। इंडिया में भी काफी जगह ऐसे प्रोटेस्ट बिल्कुल होते रहते हैं और सॉलिडारिटी के मार्चेस चल रहे हैं, चलते रहे, तो ये देखना पड़ेगा। और ये जब मामला अगर जाएगा तो वो पार्लियामेंट में किसी भी पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई करना इतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कमेटी बैठती है, फिर उसके बाद वो दोनों पक्ष को सुनती है, फिर उसके बाद उस पर बहस होती है, फिर वो लंबा एक प्रोसेस है। तो अभी के लिए तो मेरा जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आई डोंट सी ओएसी लूजिंग हिज लोकसभा मेंबरशिप। तो ये था बेसिकली एक ब्रीफ और सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट से, लोकसभा से, और क्या ये जो ओवेसी की स्टेटमेंट थी उस रूल में कॉन्स्टिट्यूट करती है जैसा कि कुछ लीडर्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। बाकी देखना होगा कि क्या लोकसभा कमेटी इसमें क्या स्टेप लेती है, किस डायरेक्शन में जाती है। आप बने रहे हमारे साथ, इसको लाइक करें, इस वीडियो को हमें सब्सक्राइब करें और ऐसे और एनालिसिस के लिए देखते रहें डीएनए एडिटर्स टीम। थैंक यू।